नमस्कार दोस्तों, पिक माई वर्क के AU स्मॉल फाइनेंस करंट अकाउंट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसा ज़ीरो बैलेंस अकाउंट है जो देता है नेशनल प्रेजेंस हर किसी के लिए बैंकिंग और डिजिटल बैंकिंग के साथ। आप ब्रांच जैसा एक्सपीरियंस ले सकते हैं वीडियो बैंकिंग के ज़रिए। क्या काम करना है आपको इसमें, आइए देखते हैं। आप पिक माई वर्क ऐप में जाके बैंक अकाउंट सेक्शन पर क्लिक करेंगे और AU करंट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। ऑनबोर्डिंग स्टार्ट करेंगे, जो UTM लिंक शेयर होगा। आइए देखते हैं कि लीड कैसे ऐड करेंगे और ऑनबोर्डिंग कैसे स्टार्ट करेंगे। पिक माई वर्क में लीड कैसे ऐड करते हैं, आइए देखते हैं। जैसे ही हम ऐप ओपन करते हैं और हम शेयर लिंक टू ऐड कस्टमर पर क्लिक करते हैं, व्हाट्सएप के जरिए लिंक भेजते हैं। लिंक पे क्लिक करते ही कुछ इस तरीके की स्क्रीन ओपन होती है, जहां पे डालना होता है हमें यूजर नेम, यूजर का मोबाइल नंबर। ये इंफॉर्मेशन वेरीफाई होती है कस्टमर या यूजर के मोबाइल पे OTP आके। जैसे ही हम OTP सबमिट एंड कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं तो स्टार्ट हो जाता है हमारा ऑनबोर्डिंग का प्रोसेस। हम ऐसे दुकानदार, मर्चेंट या रिटेलर के पास जाएंगे जो करंट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं। आइए देखते हैं कि जीरो बैलेंस, जो कि बहुत ही कम कंपनीज देती हैं करंट अकाउंट में AU बैंक में, वो कैसे ओपन होता है। स्क्रीन कुछ इस तरीके की दिखाई देती है, जहां पे हमें क्लिक करना होता है सोल प्रोप्राइटरशिप पर। उसके बाद पैन नंबर डालेंगे, कॉन्टैक्ट नंबर, आधार नंबर और पिन कोड। कुछ सवालों के जवाब देंगे कि क्या आप भारत में ही टैक्स पे कर रहे हैं, यहाँ कहीं फॉरेन कंट्री में कोई पॉलिटिकल एसोसिएशन तो नहीं है, क्या आपकी कोई क्रेडिट फैसिलिटी चल रही है बाकी बैंक से या नहीं, और एक OTP के जरिए वेरीफाई होगा। आप सेलेक्ट करेंगे कौन सा अकाउंट आप और कौन सी सर्विसेज वाला अकाउंट आप लेना चाहते हैं। चेकबुक, डेबिट कार्ड इसमें फ्री मिलता है जीरो बैलेंस के साथ साथ। प्रोसीड करेंगे, इसके साथ साथ एड ऑन्स में POS मशीन और QR स्टैंडी भी होती है। फर्दर इंफॉर्मेशन में डालेंगे email ID, फादर्स नेम, मदर्स नेम, मैरिटल स्टेटस, नॉमिनी डिटेल्स। और उसके बाद आगे प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। इंडिविजुअल प्रोप्राइटर भी अगर खोल रहे हैं तो भी क्या इंडस्ट्री है, कितनी एनुअल इनकम है, ये सारा एंटर करेंगे। एड्रेस डिटेल्स डालेंगे, परमानेंट एड्रेस और मेलिंग एड्रेस। अगर वो सेम है तो सेम एज परमानेंट एड्रेस पर क्लिक कर देंगे। ब्रांच सेलेक्ट करेंगे, और उसके बाद कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस पर जाकर आगे प्रोसीड करेंगे। कुछ इनिशियल अमाउंट ऐड करना होता है ताकि अकाउंट एक्टिव हो सके, और अगर ये करंट अकाउंट नहीं ओपन होता है तो वो अमाउंट वापस से क्रेडिट हो जाता है। UPI और नेट बैंकिंग के जरिए आप इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये करते ही आपकी वीडियो KYC स्टार्ट हो जाती है। वीडियो KYC हो जाने के बाद फाइनली आप डिजिटल बैंकिंग शुरू कर सकते हैं AU बैंक के साथ, उसका ऐप इंस्टॉल करके। और यहाँ पर हमारा काम ख़त्म नहीं हो जाता है दोस्तों, क्योंकि इसके बाद हमें काम सबमिट करना है पिक माई वर्क ऐप में, ताकि हमें हमारा पे आउट मिल सके। उसके लिए अगेन हम पिक माई वर्क ऐप में जाएंगे, वहाँ पर वन न्यू एडिट पर क्लिक करेंगे
और उसके बाद ऐड प्रूफ सेक्शन में जाके जो भी प्रूफ हमसे मांगा जाएगा वो हम वहाँ सबमिट करेंगे। कोई कन्फ्यूजन होने की सिचुएशन में आप वहाँ पर देख सकते हैं, कुछ वीडियोस या कुछ इंस्ट्रक्शंस होंगे जिनसे आप आइडिया लगा सकते हैं कि क्या प्रूफ डालना है। ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाएं पिक माई वर्क ऐप के साथ। पिक माई वर्क के YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।